दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेर कर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी। हरियाणा पुलिस अते प्रदर्शनकारी किसानां विचाले तड़के तो ही टकरा लगातार जारी है। एक पासे जिथे खनौरी बॉर्डर ते एक नौजवान की मौत हो गई है, उत्थे ही शंभू बॉर्डर ते हरियाणा पुलिस वलों किसानां ते वड्डी पद्धर ते गोलाबारी की गई। इस दौरान हुण हरियाणा पुलिस ने उल्टा प्रदर्शनकारियों से ही इल्जाम लाए ने। जी हाँ, हरियाणा पुलिस वालों एक वीडियो जारी की गई है, जिस विच उन्होंने कहा है कि खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों ने पराली च मिर्चा का पाउडर पा के पुलिस नूं चारे पासों घेरा पा लिया अते पुलिस ते पथराव किया गया, जबकि मिर्च वाले पाउडर नूं अग ला दी गई, जिसका जहरीला धुआं पुलिस नूं चढ़ गया। जिस तों बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव के नाल नाल लाठियां अते गंडासियां आदि का इस्तेमाल करदिआं पुलिस कर्मियों नूं जख्मी कर दिता। हरियाणा पुलिस का इल्जाम है कि इस दौरान 12 तो ज्यादा पुलिस मुलाजम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेर कर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। ते हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा पुलिस का इल्जाम है कि खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों ने वड्डी मात्रा च पुलिस कर्मियों से हमला किया, उन्होंने सोटियां गंडासियां नाल हमला किया गया। इस तों इलावा पुलिस से पथराव भी किया गया, जबकि मिर्च का पाउडर पा के उन्होंने जहरीला धुआं छड्डिया गया, जिस तों बाद हुण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेर कर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। दस दिए कि शंभू बॉर्डर के नाल नाल खनौरी बॉर्डर से भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस विचाले वड्डे टकराव देखने को मिले। दिन भर यह टकराव चलते रहे और पुलिस वालों प्रदर्शनकारी किसानों को काबू कर ले उन्होंने अथरू गैस के गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पर हुण हरियाणा पुलिस ने उल्टा प्रदर्शनकारियों से ही हमला करने के इल्जाम लगाए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।